अस्सलाम वालेकुम। सारंग किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चना बोटी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चने भिगो के लिए, भिगो के उसको उबाल के उसमें नमक डाल के डेढ़ गिलास पानी में मैंने इसको बॉईल करके लिया है। ये चना अच्छे से पक चुका है और इसमें यहाँ मैंने इसे 250 ग्राम है, पाव किलो गोश्त है ये, इसके इसे बोटी करके लिए मैंने, सिर्फ बोटी है। और यहाँ पे एक प्याज ली हूँ मैंने इसे चॉप करके, और इसमें फुदीना है और हरा धनिया है, तीन मिर्ची है और लहसुन है, 6-7 पकड़ियाँ हैं, कलियाँ हैं इसके, और अदरक आधा इंच अदरक ली हूँ मैंने, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी है, और ये ज़ीरा पाउडर है आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया की पाउडर है, एक चम्मच लाल मसाला है और गरम मसाला है, 2 टमाटो ली हूँ चॉप करके। बनाना स्टार्ट करते कर ली हूँ, और ये 2 चम्मच तेल है, ऑयल है, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे और प्याज ऐड करेंगे। क्या मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, मिर्ची भी इसमें ऐड कर रही हूँ, अदरक लहसुन हरा धनिया पुदीना सब ऐड कर रही हूँ इसमें। ज़बरदस्त बनता है ये। इसमें टमाटो भी ऐड करूँगी, आज नरम हो चुका है, इसमें मैं बोटियाँ ऐड कर रही हूँ, अच्छे से इसमें भून के लेंगे हम थोड़ा। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें चने में भी नमक डाली हूँ मैं आधा चम्मच, हल्दी ऐड करूँगी, ज़ीरा पाउडर, धनिया की पाउडर है, लाल मसाला है, गरम मसाला, सब मसाले ऐड करेंगे इसमें और मसालों को अच्छे से भून के लेंगे इसके अंदर, और फिर पानी ऐड करेंगे। इसे भून चुका है, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 2 गिलास, और गोश्त को 3 सीटी लेंगे। गोश्त अच्छे से पक चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें मैं चना ऐड कर रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है ये चना, इसमें ज़बरदस्त बना है। आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से पकने देंगे इसको, और 10 मिनट और अच्छे से पका के लेंगे इसको। अच्छे 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से पक चुका है ये, मैं सर्व करती हूँ और गैस बंद करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना बोटी तैयार है, ज़बरदस्त बनी है, ज़रूर ट्राई करना। किया है हरा धनिया है ऊपर से सब करने के लिए, थोड़ा चाट मसाला ऐड करें ऊपर से, आपको मेरी चना बोटी मेरे आपको वीडियो कैसी लगती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।